Hi, I'm Abhijit and welcome to Abhi's Creation, and today's topic is Intellectual Property Right. Har saal 26 April ko World Intellectual Property Day celebrate kiya jata hai. Ye mainly patent, copyright, trademark and design thinking ke upar awareness create karne ke liye use hota hai. Intellectual Property Right mainly hai ek legal right jo creators ka koi bhi invention ya original work ko protection karne ke liye intellectual property right use hota hai. All over India में patent office का list यहाँ पे है और जो patent office का जो head office है वो है कोलकाता. Intellectual property right mainly five types, that is patent, trademark, copyright, design and geographical indication. यहाँ पे मैंने एक example दिया है, एक phone का जो है logo है वो trademark होता है और phone का जो पूरा material है वो patent होता है. Design भी हम लोग patent कर सकते हैं. Copyright जो song है वो copyright है. And then यहाँ पे और एक मैंने example दिया है, same logo trademark है जो full structure वो patent कर सकते हैं, design कर सकते हैं and copyright कर सकते हैं song. आते हैं patent. Patent जो है कोई भी innovation and invention work जो है उसको हम लोग patent कर सकते हैं. पेटेंट का जो ड्यूरेशन है वो 20 इयर्स है, जब से फॉर्म फिलअप होगा उसका 20 इयर्स तक पेटेंट होगा एंड देन एवरी 20 इयर्स के बाद रिन्यूअल करना होगा 20 इयर्स के लिए. पेटेंट का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है यहाँ पे दिया हुआ है और इसके ये जो डॉक्यूमेंट है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा तुम लोगों को, वहाँ से भी देख सकते. पेटेंट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है ipindia.gov.in, इसका हेड ऑफिस है कोलकाता और ये भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. नेक्स्ट आते हैं ट्रेडमार्क. ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का एक पार्ट है. ये मेनली साइन डिज़ाइन को हम लोग सिक्योर करने के लिए ट्रेडमार्क यूज़ करते हैं. एंड ट्रेडमार्क का ये दो सिंबल यूज़ होता है मेनली, जो TM है वो है सिंबल ऑफ ट्रेडमार्क और R अगर राउंड सर्कल में होगा तो रजिस्ट्रेशन ट्रेडमार्क का सिंबल है. ट्रेडमार्क का जो ड्यूरेशन है वो 10 इयर्स का है और एवरी 10 इयर्स के बाद बाद ये रिन्यूअल करना होगा. ये है ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तुम लोग वहाँ से भी डाउनलोड करके फुल देख सकते हो. देन आता है कॉपीराइट. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है कॉपीराइट. ये कॉपीराइट यूज होता है कोई भी आर्टिस्टिक वर्क, लिटरेचर, एडुकेशन और म्यूजिक जो फॉर्म है उसको कॉपी होने से रोकने के लिए हम लोग कॉपीराइट यूज करते हैं और इसके जो सिंबल है एक राउंड सर्किल के अंदर सी. ड्यूरेशन ऑफ कॉपीराइट का जो टाइम फ्रेम है वो अलग अलग है थोड़ा सा. जैसे लिटरेचर, ड्रामेटिक, म्यूजिकल और आर्टिस्टिक वर्क वो है आर्टिस्ट का मरने के बाद 60 ईयर्स तक कॉपीराइट रहेगा. कोई भी पब्लिक अंडरटेकिंग और गवर्नमेंट वर्क होगा तो वो पब्लिकेशन का 60 इयर्स तक वो कॉपीराइट होगा. कोई भी साउंड रिकॉर्डिंग, दैट इज लाइक म्यूजिक, सिनेमा, फिल्म्स, ये 60 इयर्स तक, पब्लिकेशन डेट से 60 इयर्स तक इसका कॉपीराइट होगा. ये है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ कॉपीराइट और ये डॉक्यूमेंट्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, तुम लोग वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हो. एंड नेक्स्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है डिज़ाइन. कोई भी आर्टिस्टिक और ऑर्नामेंटल और कोई नॉन फंक्शनल फीचर्स का जो आर्टिकल्स है उसका जो डिज़ाइन है उसके लिए डिज़ाइन हम लोग आईपी यूज़ करते हैं. इसका जो ड्यूरेशन है 10 इयर्स है और एवरी 5 इयर्स के बाद ये हम लोग रिन्यूअल करना होगा, मैक्सिमम 15 इयर्स तक रिन्यूअल कर सकते हैं. ये है डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, तो इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, तुम लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते. नेक्स्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जियोग्राफिकल इंडिकेशन. ये मेनली यूज़ होता है कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो एक पर्टिकुलर जगह पे ही बनता है जियोग्राफिकल एरिया में और वो उसका यूनिक प्रोडक्ट है, तो इसके लिए हम लोग जियोग्राफिकल इंडिकेशन यूज़ करते हैं. जियोग्राफिकल इंडिकेशन और कॉमनली नोन एज GI टैग ये इशू करता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स. यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होता है. जैसे एक एग्जाम्पल मैंने देख के रखा है, जैसे नीलगिरी ऑर्थोडॉक्स, दार्जिलिंग टी, आसाम ऑर्थोडॉक्स, डुअर्स तराई, ये पर्टिकुलर एक उसी जगह के लिए फेमस है, इसीलिए GI टैग यूज़. अभी कुछ एग्जाम्पल्स है जो ऑलरेडी GI टैग में इंक्लूड है, जैसे बंगाल का रसगुल्ला, गोविंदभोग राइस, ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने रजिस्ट्रेशन किया है. जैसे मैसूर सिल्क वो कर्नाटक गवर्नमेंट ने किया है और इसका जो वैलिडिटी है वो 10 इयर्स है और 10 इयर्स के बाद रिन्यूअल करना होता है. ये है जो प्रोसेस है GI का, तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, तुम लोग वहाँ से देख सकते हो. एंड इंडिया में
IPR को प्रोमोट एंड अवेयरनेस करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सी प्रैम का इस्टेब्लिश किया है और एवरी ईयर ये लोग अवेयरनेस के लिए बहुत सारा कोर्सेस और अवेयरनेस वेबिनार ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो तुम लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। अगर तुम्हारे पास भी कोई भी न्यू आइडिया है जिसको तुम पेटेंट करना चाहते हो तो तुम लोग पेटेंट कर सकते हो। कोई भी डाउट होगा तो ज़रूर कॉमेंट बॉक्स में मैंशन करना, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो का अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना और स्टे होम स्टे हेल्दी। थैंक यू, बाय बाय।